शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह ला रब्ज़त के लिए हैं मैं लूँ आप लोगों की होस्ट नशीन वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी आसिफ शेयर कर रहे हैं आसिफ कहते हैं आज, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्राउनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से अठारह साल पहले की बात है मैं और मेरा मामूजाद भाई हम दोनों जो थे हम लोगों ने मुल्तान से हम लोगों ने कराची जाना था तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग जाने का हम लोगों ने प्लान किया और हम लोग बस स्टेशन की तरफ चले गए हम लोग जब बस स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि जिस गाड़ी पर हम लोगों ने जाना था वो गाड़ी हम लोगों से मिस हो गई और अब जो अगला टाइम था वो दो घंटे के बाद था अब हम लोग वहाँ पर आए फ़िलहाल तो बस स्टेशन बिल्कुल खाली था वहाँ पर कोई भी नहीं था अभी शाम होने ही वाली थी अभी शाम हुई नहीं थी हम दोनों वहाँ पर बैठ गए कि अब हम लोग क्या करें हम लोगों ने तो आज लाजमी जाना था और ऊपर से हम लोगों से बस भी मिस होगी फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम दो घंटे अब यही कहीं गुजार लेते हैं हम लोगों को अब वापस जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो घर था वो बस स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर था अगर हम लोग जाते और फिर आते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना था कुछ देर हम लोग बस स्टेशन पर बैठे रहे फिर मेरे कज़न ने मुझे ये कहा कि चलो हम लोग इधर ही कहीं घूमते फिरते हैं आओ ये इलाका देखते हैं ये जगह कैसी है बिल्कुल वो जगह सुनसान सी थी वहाँ पर कोई आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी एक बिल्कुल सुनसान सा वो बस स्टॉप था जहाँ से वो बसेज जाया करती थी एक मेन वहाँ पर जो मेन बसों का जो बस स्टेशन था बस स्टॉप था वो एक और जगह पर भी था और ये जो था यहाँ पर भी बुकिंग भी होती थी और यहाँ से भी बसेस जाया करती थी हम लोग चलते चलते उस बस स्टॉप की बैक साइड पर चले गए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुले इलाके थे खुले मैदान थे वहाँ पर एक तरफ हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे वो दरख्त बहुत ही ज़्यादा घने थे और दरख्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे मेरे कज़न ने कहा कि चलो देख कर आते हैं ये दरख़त किस चीज़ के हैं हम लोगों ने एक दूसरे से बैट लगा ली वो कहता था कि ये जामुन के दरख्त हैं मैंने से यह कहा कि नहीं ये जामुन के दरख्त नहीं है ये दरख्त मुझे किसी और फल के लग रहे हैं चलो पास जाकर देखते हैं जब हम लोग पास गए तो वो जो दरख्त थे वो इमली के दरख्त थे इमली के दरख़्त थे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर वो दरख्त थे दरख्तों का जैसे कोई छमेंट होता है वो जगह बहुत ज़्यादा पुरसकून और ख़ूबसूरत लग रही थी हमें वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा मेरे कज़न ने यह कहा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो हम लोग यहाँ पर आ गए कितनी ख़ूबसूरत जगह है चलो इसको आगे तक देख आते हैं जैसे ही हम लोग चलते चलते वहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जैसे कोई घर सा होता है वो भी बना हुआ था उन दरख्तों के अंदर लेकिन उसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था जैसे वहाँ पर कोई आबाद नहीं है वहाँ पर कोई रहता नहीं है देखने में वो जो घर था काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने का लग रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पुराने दौर की लग रही थी हम लोग उस घर को देखने लगे उसके पास भी गए पता नहीं उसके ऊपर कौन सा सन लिखा हुआ था इतना पुराना वो घर था अभी हम लोग वहीं पर मौजूद थे हमें एकदम से ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से कोई औरत है और वो औरत बड़े गुस्से से चिल्लाती और बोलती है जैसे कोई किसी पर गुस्सा करते हैं हम दोनों ने वो आवाज़ सुनी अभी भी बस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था मेरे कज़न ने ये कहा कि ये आवाज़ कैसी है मैंने उसे ये कहा कि पता नहीं ऐसे लगा जैसे कोई औरत बोली है हम लोग उस घर से थोड़ा दूर चले गए उसने ये कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई रहता हो हम लोग थोड़ा सा उस घर से दूर आकर उन दरख्तों के दरम्यान में खड़े होकर बातें करने लग गए काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर इमली लगी हुई थी पकी हुई इमली थी मेरे कज़न ने ये कहा कि इमली तोड़ कर खाते हैं बड़ी मज़े की होगी मैंने उसे कहा नहीं दर काफ़ी ऊंचा तुम्हें ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी हमने उधर चले जाना है छोड़ो वहाँ पर कुछ जगह पर इमली नीचे गिरी हुई भी, भी थी उसने वो उठाकर इमली खानी शुरू कर दी वो सच में बहुत मीठी इमली थी तभी एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो जो घर था वो पुरसरार कदीम घर उस घर में से जैसे चीख़ें सुनाई देने लगती हैं जिस तरह से बहुत सी औरतें हैं और वो चीख रही हैं बहुत खौफनाक चीख़ें थीं हम लोगों ने जब उन औरतों की चीखें सुनी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए मेरा कज़न कहता है ये औरतों के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं लगता है इस घर में किसी ने किसी को कैद किया हुआ है अक्सर मामला ऐसे हो जाते हैं कि लोग ऐसे खुफ़िया ठिकाने या ऐसे खुफ़िया घर बनाते हैं जहाँ पर लोगों को इस तरह से रखा जाता है कोई दुश्मनी भी हो सकती है मैंने उसे कहा कि चलो छुप कर देखते हैं ये चीखों ये चीखों की आवाज़ें आखिर आँख कहाँ से रही है हम लोग उस घर के जैसे ही करीब गए उस घर के अंदर से बहुत ज़्यादा चीखों पुकार सुनाई दे रहा था और वो आवाज़ें इतनी भयानक थी इतनी ड्रावनी आवाज़ें थी ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी को मार रहा है जैसे कोई जान से किसी को मारता है और वो बहुत सी औरतें चीख रही हैं उस घर के फ्रंट साइड पर तो कोई भी विंडो हमें नज़र नहीं आई हम लोग चलते चलते उस घर की बैक साइड पर जाने लगे उस तरफ से वो जो आवाज़ें थी ज़्यादा ऊंची सुनाई दे रही थी वहाँ पर एक दो विंडोज़ भी लगी हुई थी हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग पूछ सकें कि अंदर कौन है एक से दो बार हम लोगों ने पूछा कि अंदर कौन मौजूद है ये कौन चीख रहा है यहाँ पर फिर भी कोई आवाज़ ना आए तभी एकदम से हम लोग जैसे विंडो के अंदर से हम लोगों ने झांक कर देखने की कोशिश की अंदर रोशनी थी हालांकि वो घर देखने में बहुत कदीम और पुराना था लेकिन अंदर से ऐसी रोशनी आ रही थी जिस तरह से अंदर लाइट्स जल रही हैं तभी हम लोग जैसे इसमें झांक कर देखने लगे तो हम लोग क्या देखते हैं जैसे वहाँ से दो से तीन औरतें कभी इस तरफ जा रही थी कभी इस तरफ जा रही थी काले रंग के उनके लिबास थे मेरे कज़न ने कहा कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर औरतें मौजूद हैं हम लोगों ने उन्हें आवाज़ें देना शुरू कर दी और उनसे हम लोग ये पूछ रहे थे कि आप लोग कौन है और यहाँ पर आपको किसने बंद किया है ये बातें हम लोग उनसे पूछना शुरू हो गए लेकिन वो हमारी बात का जवाब नहीं दे रही थी सिर्फ वो उस बंद घर के अंदर ही घूमती जा रही थी तभी हम लोगों ने जो मंज़र देखा वो इतना दिल दहला देने वाला था कि पता नहीं हम लोग आज भी सोचते हैं कि हम लोगों की कौन सी ने की काम आई कि हम लोग बच गए हम लोगों ने देखा वो जो औरतें थीं एकदम से जैसे वो तीनों ज़मीन पर बैठ गई हम लोग उस टूटी हुई खिड़की में से ये सारा मंजर देख रहे थे बहुत ज़्यादा वो पुरसरार सा घर था काली काली दीवारें थीं उसकी तभी उन औरतों की गर्दनें जो थी एकदम से बहुत लंबी होना शुरू हो गई उनके जो निचले धड़ थे वो जैसे बैठी थी उसी पोज में थे लेकिन उनकी गर्दनें जो थी वो इतनी लंबी हो गई कि जैसे उस छत की उस कमरे की छत के साथ वो गर्दनें लग रही थी हम लोगों ने गौर से देखा मैं तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये है क्या चीज़ गर्दनें इधर उधर उनकी घूम रही थी तभी उन्होंने बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें मज़े निकाल कर कहके लगाने शुरू कर दिए मेरे कज़न ने कहा भागो यहाँ से ये कोई इंसान नहीं है ये तो कोई जिन्नात है हम लोग जैसे वहाँ से भागे इस हद तक उस घर के दरवाजे उन्होंने बजाने शुरू कर दिए कि वहाँ से हमारे भागते भागते ऐसे लग रहा था कि वो दरवाजे तोड़ देंगी जैसे ही हम लोग उस इमली वाले बाग़ से बाहर निकले आगे हम गए तो एक बूढ़ा शख्स हमें रास्ते में मिला उस बूढ़े शख्स ने हाथ में जैसे कोई छड़ी पकड़ी हुई थी और वो छड़ी की मदद से चलता हुआ आ रहा था उस आदमी ने जैसे हमें गिरते पड़ते देखा उसने हमें आवाज़ देकर रोका कि तुम लोग कौन हो और इधर क्या करने गए थे हम लोग उसे तो पहली बात है बोला ही नहीं जा रहा था उसको देख कर हम लोग और खौफ ज्यादा हो गए पता नहीं ये आदमी कौन है इस वाने में उसने हमें रोका उसने ये कहा कि मेरी मुझे सारी बात बताओ तो, तुम लोग कौन हो वो भी देखने में बहुत ज़्यादा पुरसरार और अजीब सा लग रहा था उसने ये कहा जब हमसे उसने पूछा तो हमने उसे ये कहा कि हम लोग तो ऐसे ऐसे मुसाफिर हैं हम लोगों ने जाना था बस लेट थी तो हम लोग इस साइड पर निकल आए यमली के बाग देखने के लिए तो यहाँ पर हमने एक घर में अच्छी भखरी मखलूक को देखा है वो चीख रही थी वो बहुत डर थी उस आदमी ने ये कहा कि यहाँ से भाग जाओ वरना वो चुड़ेलें हफ़्ते तुम लोगों को मार देंगी ये इमली का बाग मशहूर है कि यहाँ पर चुड़ेलों के कबीले रहते हैं यहाँ पर जन्नात के ख़ानदान आबाद है वो इसी तरह से रोती है इसी तरह से आवाज़ें निकालती है कि कोई यहाँ से गुजरने वाला उनकी आवाज़ें सुनकर उस घर के पास जाए और उस घर का जो बाहर दरवाज़ा है उस पर लेके ताले को तोड़ दे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े सैयद ने उनको कैद किया हुआ है कभी ये घर बहुत ज़्यादा आबाद था ये इमली का बाग बहुत मशहूर था यहाँ पर बहुत से लोग आते थे इमली तोड़ने के लिए आते थे और यहाँ पर जो आदमी रहता था ये उसी का बाग था कोई पता नहीं कोई नहीं जानता उससे क्या हुआ क्या नहीं कि यहाँ पर आफ्तों चुड़ैलों ने बसेरा कर लिया इन आफ्तों चुड़ैलों ने उसके पूरे ख़ानदान को मार दिया फिर उसने एक सैयद को बुलाया जिन्होंने यहाँ पर आकर इन आफ्तों चुड़ैलों को कैद कर दिया और उसको हमेशा के लिए मना कर दिया कि इस दरवाज़े को कोई भी ना खोले उस ताले के ऊपर उन सैयद के तावीज़ात भी लगाए गए हैं हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए हम लोगों ने इससे पूछा कि आप कौन है और आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं तो उसका ये कहना था कि मैं वही आदमी हूँ जिसका ये घर था मैं यहाँ पर अंदर नहीं जाता लेकिन इस घर को दूर से खड़ा होकर देखता रहता हूँ मैं अब आबादी में रहता हूँ ये घर मैंने बहुत शौक़ से बनाया था लेकिन मुझे यहाँ पर रहना नसीब नहीं हुआ मैं नहीं जानता कि हफ़्ते चुड़ेले इनका कबीला यहाँ पर आकर कैसे आबाद हो गया हम लोगों ने जब उस आदमी की बातें सुनी हम लोग फ़ौर से बस स्टॉप पर आ गए अभी भी बस आने में थोड़ा सा टाइम बाकी था हम लोग बहुत ज़्यादा खौफसदा थे इस हद तक हम लोग डरे हुए थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें खैर हम लोग कराची चले गए वहाँ पर हम लोगों ने दस पंद्रह दिन रहना था एक और कज़न थे उनके पास वहाँ पर हम लोगों ने उनसे भी ये बात शेयर की उन लोगों ने भी बताया कि अक्सर इमली के जो दरख्त होते हैं इन पर जन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं इमली के दरख्तों के ऊपर बहुत से जन्त अपना बसेरा करते हैं अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उस दिन जिंदा सलामत वहाँ से बच कर आ गए यह हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया आसिफ आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर करें मनचेस्टर से वकास कहते हैं कि आज आपके साथ एक खातून जिनका नाम फ़रहाना था जो कि कराची की रहने वाली थी उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ फरहाना कहती है एक दफ़ा की बात है हम लोगों ने मीरपुर से आगे बॉर्डर के इलाके में जाना था वहाँ पर हम लोगों के कुछ रिश्तेदार रहते थे और उनकी शादी थी हम सभी कज़न्स ने मिलकर जाना था मुझे भी उन लोगों ने कहा कि आपने भी छुट्टियाँ लेकर आना है खैर मैंने तैयारी की और मैं इस्लामाबाद कराची से इस्लामाबाद बाई एयर चली गई वहाँ पर मैंने एक रात स्टे अपनी सिस्टर के पास किया उसके बाद हम लोग सब मिलकर हम लोगों ने मीरपुर खास जाना था वहाँ से जब हम लोग निकले तो हम लोगों ने एक वैगन थी वो हम लोगों ने बुक करवा ली उसमें हम लोगों की सारी फ़ैमिली थी सफ़र करते करते हम लोग काफ़ी आगे निकल आए एक ऐसा इलाका था रात हो चुकी थी वहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा होटल नज़र आया इशा का टाइम हो गया था वहाँ पर हम लोग रुके हम लोगों ने कुछ खाया पिया थोड़ी देर रेस्ट किया उसके बाद मैंने उन लोगों से ये कहा कि मुझे इशा की नमाज़ अदा करनी है तो वहाँ पर वो जो वहाँ पर रिसेप्शन पर लोग थे उन लोगों ने ये कहा कि आप यहाँ से ये हम लोगों का जो जैकेंड फ्लोर है वहाँ पर चली जाएँ और आप जाकर वहाँ पर नमाज़ अदा कर सकती हैं जैसे मैं सैकेंड फ्लोर पर गई मुझे वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आई सारे कमरे लॉक थे कि मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकती वहाँ से थर्ड फ्लोर की स्टेयर्स ऊपर जा रही थी मैं ऊपर की तरफ़ चली गई जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पर एक कमरा खुला हुआ था वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था मैं वहाँ पर गई और मैंने वहाँ पर जाकर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी अभी मैं नमाज पढ़ ही रही थी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सी औरतें हैं बहुत से बच्चे हैं वो यहाँ पर चल फिर रहे हैं थोड़ा सा मुझे तजुब भी हुआ कि अभी जब मैं ऊपर आई थी तब तो यहाँ पर कोई भी नहीं था फिर एकदम से इतना रश कैसे हो गया मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी यहाँ तक के नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग आकर जमा हो गए हैं जैसे वो बहुत सी औरतें हैं जैसे मैंने नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने सलाम फेरा तो मैं क्या देखती हूँ जो औरतें मेरे क़रीब खड़ी हैं उनके पाँव बहुत ज़्यादा लंबे हैं इतने लंबे पाँव किसी इंसान के हो ही नहीं सकते और पैरों के जो शेप है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब है आगे से पाँव बहुत ज़्यादा नुकीले हैं ये इतना खौफनाक मंज़र था कि मेरे दोनों एतराफ़ में वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे जैसे वो सब लाइन बनाकर खड़े हुए थे अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई मैंने अपनी नमाज़ पूरी की मैंने अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी जैसे ही मैंने आखिरी रकत अदा की एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जितनी भी मखलूक़ात थी जैसे वो पीछे पीछे हटने लग गई मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी दुर्द पाक पढ़ा और मैं फ़ौरन से उठी और मैं बहुत तेज़ी से भागती हुई नीचे आई मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जैसे मैं नीचे भागी लोगों ने भी मुझे देखा कि पता नहीं इसको क्या हुआ है मैंने अपनी फैमिली वालों से कहा कि जल्दी से यहाँ से चलो हम लोग सारे तेज़ी से वैन में आकर बैठे वो लोग हमें रोकते रह गए लेकिन हमने किसी की कोई बात नहीं सुनी मैंने बस उनसे ये कहा कि यहाँ से जितनी जल्दी होता है निकलो जब हम लोग वहाँ से निकले मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उन्हें ये लगा कि पता नहीं शायद इसके साथ किसी ने बदतमीज़ी की है इसको क्या हुआ थोड़ी देर जैसे मैं नॉर्मल हुई मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस इस तरह से वहाँ पर थर्ड फ्लोर पर एक कमरा खुला था मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरे इर्द गिर्द इस तरह के अजीबों गरीब मखलूक जमा हो गई वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे तो जो वैन ड्राइवर था उसका ये कहना था आप लोगों ने जब यहाँ पर गाड़ी खड़ी की मैंने आप लोगों को उस वक्त नहीं बताया क्योंकि हम लोग अक्सर इन रास्तों पर आते रहते हैं हम लोगों के अक्सर ये रूट होते रहते हैं ये जो रेस्टोरेंट है ये जो होटल है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है किसी दौर में ये बहुत ज़्यादा आबाद होता था यहाँ पर इतना रश होता था दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पर लेकिन फिर एक वाक़ ने इसके साख बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी कहा ये जाता है कि तीन साल पहले यहाँ पर एक जादूगर आया कोई भी नहीं जानता था कि वो कोई जादूगर है वो एक आम इंसान के रूप में आया और उसने यहाँ के थर्ड फ्लोर का एक कमरा रेंट पर लिया वहाँ पर जब वो रहा उसने वहाँ पर न जाने कौन कौन से अमलियात किए उन तीन दिन वो कमरों से बाहर निकला ही नहीं तीसरे दिन जब वहाँ के स्टाफ ने ये देखा कि आदमी तो तीन दिन से यहाँ से बाहर निकल ही नहीं रहा हमें चेक करना चाहिए तो जब उन लोगों ने जाकर देखा कमरे का दरवाज़ा जब खोला तो वो मरा हुआ पाया गया और उसके इर्द गिर्द जादुई चीज़ें जादू के सामान सब कुछ मौजूद था बाद अजा पता चला कि वो एक जादूगर था और वो यहाँ पर एक जादू का अमल करने आया था वो जादू का अमल उससे ठीक हुआ या नहीं हुआ उन्हें जिन्द ने उसे जान से मार दिया उसके बाद यहाँ का जो थर्ड फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा आसिफ ज़्यादा मशहूर है अब यहाँ से बहुत कम लोग पाए जाते हैं इसके दोनों फ्लोर बिल्कुल वीरान और सुनसान रहते हैं सिर्फ़ इसके फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी लोग आते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टे करते हैं खाते पीते हैं और चले जाते हैं हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग बहुत ज़्यादा डर के हम लोग जहाँ पर हम लोगों ने जाना था वहाँ पर शादी पर पहुँचे कुछ दिन वहाँ पर इंजॉय किया लेकिन उस तरह से नहीं कर सके क्योंकि मेरे जहन से ये चीज़ जा नहीं रही थी उसके बाद हम लोग वापस आ गए दोबारा कभी भी हम लोग उस तरफ नहीं गए लेकिन वो वाक़ वो वक्त और वो जो मैंने वो मंज़र देखा था उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती ये कहानी थी जो वकास अहमद ने शेयर की बहुत शुक्रिया वकास साहब का जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नशीन फिफ्टी सेवन पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर करूँगी आप लोगों ने ज़रूर उसे विज़िट करना है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ट अल्लाह ने के बाद